कबीर साहब में भी कबीरपंथी लोगों ने लगा दिया चमत्कार कि कबीर आकाश से उतर गए काशी के लहर तालाब में, कहा राम खीर से आ गए, सीता खेत से आ गई, भीष्म पितामह गंगा से आ गए, सुखदेव जी सुग्गा से आ गए, अगस्त मुनि घैला से आ गए, कर्ण सूर्य से पैदा लिया। संभव है कारण कार्य व्यवस्था को कहीं कहां रख दीजिएगा, कारण कार्य व्यवस्था को कहां ले जाइएगा। बिना कारण के कार्य होगा, माटी हो पानी, माटी पानी हो और कुम्हार हो और चाक डंडा ना हो, काम हो जाएगा। और चाक डंडा हो, कुम्हार हो और मिट्टी पानी ना हो, तब क्या होगा, काम होगा। और मिट्टी पानी हो, चाक डंडा हो और कुम्हार ना हो, तब क्या होगा। कारण तीन है, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। जब तीनों कारण लगते हैं तो कार्य प्रारंभ हो जाता है। अगर मां ना हो, पिता ना हो तो ये शरीर कहां से बनेगा, आकाश में कैसे बन गया शरीर। मैं तो कहता हूं किसी विद्यार्थी को अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि सदगुरु कबीर कैसे आए और वो विद्यार्थी लिख दे आकाश से आए, तो एग्जामिनर नंबर देगा कि काटेगा, फेल होगा लड़का कि पास होगा, बोलिए, फेल होगा ना। बंधुओं, ये चमत्कार की बात बोल बोल करके जब भगवान राम विवाह करने जनकपुर गए तो मरवा पर बैठे हुए थे, जब दुल्हा जाता है विवाह करने तो गांव के माने युवती लड़की सब दुल्हा से मजाक करने के लिए आती है। जब राम मरवा पर बैठे थे तो जनकपुर के लड़की सब युवती सब आ गई और भगवान राम से कहती है, ए पाहुन जी, अति उदार कर तू तीदार, अबधपुरी की बामा खीर खाए पैदा सुत करती, पति कर कुछ नहीं कामा। ए पाहुन जी, आपके अयोध्या के नारी सब इतना उदार विचार की है, खीरे खा के बच्चा पैदा करती है, दुल्हा के कोई जरूरी नहीं। अयोध्या में दुल्हा के कोई जरूरी नहीं है, खीर से बच्चा पैदा होता है। भगवान राम तो लजा गए, सखी बचन सुन के रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपा बहु प्यारी करहु आन की बात। भगवान राम मरवा पर कहते हैं, कोई नहीं जन्मे मातु पिता बिनु बांधे वेद की नीति, तुम्हारे तो सब मही से उपजे हमारे अस नहीं रीति। का कहे, अपना शिकायत छिपाती हो, हमको बेइज्जत करने आई हो मरवा पर। अरे यही ना कहने आई हो कि अयोध्या में खीर से बच्चा पैदा होता है, दुल्हा के जरूरी ना है। तो हम भी सुने हैं जनकपुर में खेत से बच्चा पैदा होता है, दुल्हन के जरूरी ना है। ये चमत्कार की बात सब, झूठ फूस की बात सब बता बता करके इस भोली भाली जनता के, देखिए अध्यात्म में, अध्यात्म जिसका नाम है उसमें कोई मिलावटबाजी करता है, उसमें कोई झूठ फेंकता है, उसमें कोई गलत बात बोलता है, तो उसके ऐसा गद्दार इस धरती पर कोई नहीं माना जाएगा। क्यों, दूध में पानी मिलाया गया उतना नुकसान नहीं होगा, आटा में चोकर मिलाया गया उतना नुकसान नहीं होगा, घी में डलडा मिलाया गया उतना नुकसान नहीं है, चावल में कंकर मिलाया गया उतना नुकसान नहीं है, लेकिन अध्यात्म में चमत्कार मिलाया गया तो जनता के लिए स्वर्ग नरक का सवाल पैदा लेता है, कल्याण का सवाल पैदा लेता है। ये मिलावटबाजी करने वाले एक नंबर के हत्यारा माने जाएंगे। किसी के जीवन को इन्होंने नुकसान पहुंचाना शुरू किया है। बंधुओं, जरा इस पर विचार किया जाए। मैंने कहा श्रद्धावादी बनो तो मां के प्रति श्रद्धा रखो, इसलिए कि मां का दिया हुआ यह तन है आपका।
माँ का दिया हुआ ये तन है और आपको पढ़ा लिखा के इंजीनियर कौन बनाया था, डॉक्टर कौन बनाया था, प्रोफेसर कौन बनाया था, एसपी डीएसपी कौन बनाया था, कलेक्टर कौन बनाया था, पिता ने सारा खर्चा देकर मजदूरी करके बटैया जोत के ठीका जोत के मवेशी पाल के दुकानदारी करके आधा पेट खा करके फाटल कपड़ा पहन के और आपके लिए सब कुछ किया। वही पिता ने आपको इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनाया, उसी पिता ने आपके लिए जमीन खरीदा, उसी पिता ने आपके लिए महल मकान बनाया, उसी पिता ने आपके लिए गाड़ी घोड़ा खरीदा, उसी पिता ने आपके लिए गाय भैंस खरीदा और उसी पिता ने आपका विवाह शादी कराया। आज बेटा किसका पूजा कर रहा है, किसका लागत है मेरे जीवन में? गौर कीजिए, मेरे जीवन में किसका लागत है, किसकी पूजा होनी चाहिए? साहब कबीर ने कहा पिता की सेवा होनी चाहिए, माँ की सेवा होनी चाहिए और पिता की सेवा होनी चाहिए। ये दोनों का लागत मेरे जीवन में है। माँ ने तन दिया है और पिता ने धन दिया है। और तीसरा, हम मांस खा रहे थे, मछली खा रहे थे, ताड़ी दारू पी रहे थे, गांजा भांग पी रहे थे, बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, हम चोरी बेईमानी दलाली घुसखोरी कर रहे थे। कि क्या बाजार लगाया है बुरा है? बंधुओं, हमारे ऊपर पंचायती हो रही थी, हम पंचायती में थूक चाट रहे थे, हम कहीं गाली सुन रहे थे, लाज जूता खा रहे थे, हम जेल जा रहे थे। इन सारे पाप कर्मों से मुझे निकाला किसने? तो लागत मेरे सदगुरु का मेरे जीवन में है कि सदगुरु ने सारे पाप कर्मों से हमको अलग कर दिया। तो माँ ने तन दिया, पिता ने धन दिया और गुरु ने ज्ञान दिया। इसके अलावा कोई आदमी उठ के बोलिए कि आपके जीवन पर किसका लागत है, किसकी पूजा होनी चाहिए, किसकी सेवा होनी चाहिए? वो ईमानदारी से कोई उठ के बोलिए, मैं अभी उसका सफाई करूंगा कि और किसका लागत मेरे जीवन में है। अगर आप अपने को हिंदू मानते हैं, हिंदू तो कबीर के शब्दों में कोई है नहीं, कबीर के शब्दों में सब मानव है, सब आदमी है, सब इंसान है। लेकिन मान लिया जाए कि आप अपने को हिंदू कहते हैं, तो हिंदू का मुख्य ग्रंथ वेद है और वेद ने किस देवता को माना? वेद ने कहा मातृ देवो भव, वेद ने कहा पितृ देवो भव, वेद ने कहा आचार्य देवो भव और वेद ने कहा अतिथि देवो भव। वेद ने नहीं कहा राम देवो भव, कृष्ण देवो भव, महादेव देवो भव, दुर्गा देवो भव, काली देवो भव, हनुमान देवो भव, वेद ने नहीं कहा। वेद ने कहा मातृ देवो भव, माँ सबसे बड़ी देवता है। और तब कहा पित, इसलिए कि माँ का लागत ही जीवन पर 12 आना है और पिता का लागत 4 आना है। इसलिए हर जगह से माँ को आगे कर दिया गया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और ये जो बैठे हुए अतिथि हैं, ये सभी देवता के रूप में बैठे हैं। इनका स्वागत करना, इनका मान सम्मान करना, जिसने आयोजन किया है उनका काम है कि हमारे दरवाजे पर जो देवी और देवता आए हैं उनका स्वागत करना मेरा काम है। ये 4 देवता है। विवेकानंद जी ने तो 2 देवता और बढ़ाया, विवेकानंद जी 2 देवता और बढ़ा दिया, मूर्खो देवो भव और मूर्खो देवो भव और दरिद्रो देवो भव, 2 देवता और बढ़ा दिया गया। बंधुओं, यही आपके देवता हैं, इनका लागत, इनका कर्ज आपके सिर पर है।
इनका कर्ज सधा लीजिए, इनका लागत वापस कीजिए। अगर आप वापस नहीं करते हैं और जिंदगी भर अंध श्रद्धा में पड़कर जहां तहां अगरबत्ती बार रहे हैं, जहां तहां पानी ढार रहे हैं, जहां तहां नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं, ये सारा कर्जा बकाया रहेगा और आपको कभी मुक्ति मिलने वाली और कभी कल्याण मिलने वाला नहीं होगा। अंत में आपको नरकगामी बन जाना पड़ेगा।